सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त होस्ट कपूर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं टॉप 10 ऐसे सुपर हीरोज के बारे में जो कि मार्वल एंड डीसी से बिलोंग तो करते हैं बट साथ ही में वो इंडिया से भी बिलोंग करते हैं। यानी कि ऐसे टॉप 10 सुपर हीरोज जो कि इंडियन हैं बट वो हमें मार्वल एंड डीसी के कॉमिक्स में देखने को मिल चुके हैं। एंड साथ ही में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो पर एक महीने पहले से ही वर्क कर रहा था, मतलब इसकी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी थी, बस इसका जो रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग थी वही रही थी। बट बीच में मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए जिसकी वजह से इस वीडियो को आने में इतनी ज़्यादा देर हो गई। बट फाइनली अब मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसका लुत्फ़ उठाइए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी से कि आप यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ही दबा देना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं बट हाँ, एक छोटी सी और एक बात बताना चाहूँगा कि भाई मैं आपको बताऊँगा टॉप 5 मार्वल में दिखाए गए इंडियन सुपर हीरोज एंड डीसी में दिखाए गए टॉप 5 इंडियन सुपर हीरोज, तो मिलाकर हो गए ना टॉप 10। तो अब बढ़ते हैं, चलो शुरू करते हैं अब मार्वल से। नंबर 1, स्पाइडरमैन इंडिया। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना, स्पाइडरमैन इंडिया। स्पाइडरमैन की इंडिया में पॉपुलैरिटी देखते हुए मार्वल ने 2004 या फिर 2002 के आसपास इंडिया के लिए एक इंडिया का खुद का स्पाइडरमैन लॉन्च किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था स्पाइडरमैन इंडिया। एंड इसकी स्टोरी भी बिल्कुल यार ओरिजिनल स्पाइडरमैन की जैसी है, बस इसमें थोड़े कैरेक्टर्स के नाम को बदल दिया गया है। जैसे कि इसमें पीटर पार्कर का बना दिया है पवित्र प्रभाकर एंड मैरी जेन का बना दिया है मीरा जैन एंड अंकल बेन का बना दिया है अंकल भीम एंड वहीं आंट मे का बना दिया है आंट माया। यानी कि ये टोटली स्पाइडरमैन का हिंदी वर्जन है, पूरी तरह से शुद्ध देसी वर्जन है। नंबर 2, सरिब्रा AKA शक्ति हदद। इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी एक्समैन 2099 के इशू नंबर 1 में एंड साथ ही में ये फाउंडर भी रह चुकी है एक्समैन 2099 की। इसकी जो मेन सुपर पावर्स है वो कुछ ऐसी है कि ये अपने आसपास के म्यूटेंट को डिटेक्ट कर सकती है, प्लस साथ ही में ये ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है एंड यस ऑब्वियसली यार ये एक म्यूटेंट है। नंबर 3, सती। ये हमें पहली बार देखने को मिली थी जिनेक्स कॉमिक्स में बट यार उसमें भी इसकी ओरिजिनल स्टोरी एंड बैकग्राउंड के बारे में हमें नहीं बताया गया था और अभी तक इसकी ओरिजिनल स्टोरी एंड बैकग्राउंड के बारे में कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है मार्वल कॉमिक्स में। बस हमें सिर्फ यही पता है कि ये मोस्टली ज़्यादातर देखने को मिली है एक्समैन की कॉमिक्स में एंड इसकी एबिलिटीज और पावर्स है सुपर एजिंग, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइंग पावर और कुछ अनदर पावर्स। नंबर 4, थंडरबर्ड AKA नील सहारा। ये हमें पहली बार देखने को मिला था एक्समैन Volume 2 में और ये बिलोंग करता है कोलकाता इंडिया से एंड यस ये भी एक म्यूटेंट है, प्लस इसकी जो एबिलिटीज है वो कुछ इस तरह से है, ये सोलर एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, उसे मैनिपुलेट कर सकता है, उसे प्रोड्यूस भी कर सकता है। नंबर 5, चक्रा द इनविजिबल। यार ये जो सुपर हीरो है यानी कि चक्रा, ये वैसे तो एक इंडियन सुपर हीरो है, एक ओरिजिनल इंडियन सुपर हीरो है बट इसको क्रिएट किया था स्टैन ली ने। यस भाई, स्टैन ली ने इसको क्रिएट किया था एंड ये मेंबर भी रह चुका है एक्समैन अकेडमी का। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इसे इसके सूट के जरिए पावर्स मिलती है, यानी कि जो इसका सूट है उसकी मदद से इसने अपनी बॉडी के 7 चक्रों को एक्टिवेट कर लिया है, यानी कि इसके पास शक्तिमान लाइक सुपर पावर्स है। एंड इसके ऊपर 2013 में हमें एक एनिमेटेड मूवी भी देखने को मिल चुकी है और जाहिर सी बात है यार उसमें स्टैन ली जी का कैमियो तो जरूर ही होगा। तो दोस्तों, ये थे 5 सुपर हीरोज, इंडियन सुपर हीरोज जो कि हमें मार्वल कॉमिक्स में देखने को मिले हैं। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आप इन 5 में से किस सुपर हीरो को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हो, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखना चाहते हो। जहां तक मेरा विचार है यार भाई, मैं तो चक्रा को देखना चाहता हूं बड़े पर्दे पर। आपको कौन सा सुपर हीरो देखना है आप बता देना। सो अब बात कर लेते हैं डीसी की। तो डीसी में जो फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो निकल कर आता है या यूं कहूं आती है वो है चंडी गुप्ता AKA माया।
इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी जस्टिस लीग यूरोप के इशू नंबर 47 में। चंडी गुप्ता एके माया को उसकी सुपर पावर्स काफ़ी कम एज में ही मिल गई थी एंड इसकी पावर्स एबिलिटीज कुछ इस प्रकार से है, ये अपने हाथों से एनर्जी प्रोडक्शन कर सकती है, एनर्जी कंजक्शन को क्रिएट कर सकती है एंड ऐसी ही कई सारी अनदर सुपर पावर्स है इसके पास। ये भी हमें कॉमिक्स में ज़्यादा देखने को नहीं मिली है बट जितनी बार भी देखने को मिली है इसने उतनी बार धूम मचाई है। नंबर टू, किरण सिंह एके सोलेस्टियल, इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी टीन टाइटंस के वॉल्यूम 4 के इशू नंबर 2 में। किरण एक इंडियन सुपर हीरो है एंड साथ ही में ये एक मेंबर भी रह चुकी है टीन टाइटंस टीम की। इसकी मेन सुपर पावर्स है फ्लाइट की, एनर्जी प्रोडक्शन की, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी है इसके पास एंड साथ ही में ऐसी कुछ अनदर सुपर पावर्स। नंबर 3, गणेशा, यस भाई लॉर्ड गणेशा, ये डीसी कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करते हैं यानी कि इनका विवरण हमें डीसी कॉमिक्स में भी देखने को मिला है और हाँ डीसी कॉमिक्स में भी इनकी स्टोरी हूबहू बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंड यस डीसी कॉमिक्स में इनके कैरेक्टर के साथ कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं की गई है यानी कि कुछ गलत दिखाया है इनके कैरेक्टर के बारे में, जैसा है वैसा ही रिप्रेजेंट किया है तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। इनकी फर्स्ट ओपिनियंस हमें देखने को मिली थी वंडर वुमन के वॉल्यूम 2 में एंड इनकी मेजर पावर जो डीसी में हमें दिखाई गई है वो है प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन, इनहेंस इंटेलिजेंट, पर एजिंग, यूनिक फिजियोलॉजी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ऐसी कई सारी अनदर सुपर पावर्स। नंबर 4, हनुमान, जी हाँ भाई हनुमान, हनुमान जी भी हमें देखने को मिल चुके हैं डीसी कॉमिक्स में और इनकी फर्स्ट ओपिनियंस हमें देखने को मिली थी वंडर वुमन के वॉल्यूम 2 में ही यानी कि सिमिलर कॉमिक में ये भी एग्जिस्ट करते थे और यस इनके कैरेक्टर के साथ भी कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है डीसी कॉमिक्स में, जैसा है वैसा ही रिप्रेजेंट किया है, ना कोई बुराई बताई है ना कुछ क्रिटिसाइज किया गया है कैरेक्टर को, जैसा है वैसा ही बताया गया है। सो आप इस बात को लेकर ऑफेंड मत हो जाना कि भाई ये हमारे गॉड्स इनकी कॉमिक्स में क्या कर रहे हैं, तो भाई ये इसको आप एक रिस्पेक्ट के तौर पर समझ सकते हैं जब तक कोई हमारे हिंदू गॉड्स की बुराई ना करे। ये डीसी कॉमिक्स में मेंबर्स है देवास के एंड साथ ही में वंडर वुमन के इसी इशू यानी कि इसी वॉल्यूम यानी कि इसी कॉमिक बुक में इन्होंने वंडर वुमन का साथ भी दिया था क्रोनोस जैसे टाइटन को डिफीट करने के लिए एंड इनकी जो मेन सुपर पावर्स डीसी में दिखाई गई है वो है फ्लाइट की एंड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की। बाकी और भी कुछ पावर्स है बट उनका वर्णन कुछ उतना अच्छे तरीके से नहीं किया गया है, मतलब पावर्स का यूज कुछ अच्छे से नहीं बताया गया है, बाकी जो पावर्स है वो बेस्ट है। नंबर 5, रानी देसाई एके सेल्सियस, इनकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी शोकेस के इशू नंबर 94 में। इनकी जो मेजर सुपर पावर्स है वो है इमोर्टैलिटी, थर्मोकाइनेसिस, साइकोकाइनेसिस एंड प्रियोकाइनेसिस जैसी अनदर सुपर पावर्स है इनके पास। इनकी बेसिक स्टोरी कुछ ऐसी है कि अपने फादर की डेथ के बाद ये अपने घर से भाग गई थी, फिर डॉक्टर नील्स के साथ इन्होंने वेडिंग की एंड उन्होंने ही इन्हें इमोर्टैलिटी की सुपर पावर्स दी एंड साथ ही में कुछ अनदर सुपर पावर्स भी, बट फिर डॉक्टर नील ने इनको छोड़ दिया हिमालयाज पर मरने के लिए। सो ये थे टॉप 5 कुछ ऐसे सुपर हीरोज, इंडियन सुपर हीरोज जो कि हमें डीसी कॉमिक्स में देखने को मिले हैं। इनमें 2 इंडियन गॉड्स भी है जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। आप इस चीज़ को अब धर्म से जोड़ने मत लग जाना और साथ ही में कमेंट में कुछ उल्टा सीधा लिखने मत लग जाना भाई। जब तक कोई हमारे गॉड्स के बारे में कोई गलत बात नहीं फैलाता या फिर गलत नहीं लिखता तब तक हम उनका विरोध करें ही क्यों। सो अब आप मुझे बताना कि आप इन में से किन को बड़े पर्दे पर यानी कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में देखना चाहते हैं, कमेंट करना। सो अब बस यार इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, नया गो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना एंड हो सके तो वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी देखने के लिए बोलना। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। अगर किसी अनदर टॉपिक का सजेस्ट देना है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है, वहां कर देना। और हाँ अगली वीडियो कुछ धमाकेदार होने वाली है तो यार बेल आइकन दबा के जरूर रखना। सो नाउ गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ यार मैं शायद कल, हाँ पिछले कल अपने सेकेंड चैनल दी एसकेएस 2.0 में लाइव आया था, तो क्या मैं इस चैनल पर भी कभी लाइव आऊँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसके बारे में। बाय बाय।